नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन साथियों के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने पिछले वीडियो के प्रश्नों के उत्तर एकदम सही से और अच्छे से दिए हैं, यानी जो सही से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। फिर मैं आपको जल्दी से उन प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी। पूजा तिवारी जी ने दिए हैं, श्रीम जी ने दिए हैं, और अनूप पांडे जी ने दिए हैं, कंचन लता जी ने सभी जवाब दिए हैं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बस यही तीन चार लोग थे जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसीलिए मैं प्रश्नोत्तर आपके साथ में शुरू नहीं कर रही थी, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने को सांत्वना दे रहे हैं और दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, है ना। यहाँ कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। मैंने ये सोचा था कि मैं आपको बहुत अच्छे से रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगी। अभी मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, आप इसको पढ़ते चलिए, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज भी तैयार कर रही हूँ, है ना। आप वो कर लेंगे, उसके बाद आपका कहीं से कोई प्रश्न इस पुस्तक से गलत होना ही नहीं था। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप नेट और हिंदी साहित्य की किसी भी बड़ी परीक्षा में कहीं ना कहीं अपने नाम को सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सीरियस रहना पड़ेगा। कई बार आपको बीच में बोरिंग लगता होगा, आप बढ़ा देते होंगे, आपको नहीं अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा कि किताब तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना, दुनिया भर की बातें आती होंगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए, मुझे इससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हो रहा है, सारा लाभ आप ही को होने वाला है, लेकिन जब मन से पढ़ेंगे तब। चलिए मैं प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। अभी मैं कुछ दिन प्रश्न उत्तर और जारी रखूंगी, यदि आप लोग जवाब देते रहेंगे तो ठीक है, वरना मैं अपने हिसाब से पुस्तक को कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आदत है कि कहीं से भी शॉर्ट मिल जाए, छोटा छोटा तथ्य आपको मिल जाए, आप उनके नोट्स बना लें, आप उनको रट लें, लेकिन जब भी कूट वाले प्रश्न आएंगे और जब भी रामचंद्र शुक्ल जी की किताब से उठाए जाएंगे तो आप लोग निश्चित ही समस्या में आ जाएंगे। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जितने भी अच्छे स्तरीय प्रश्न पत्रों की प्रकृति देख रही हूँ, इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जो नए हैं वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं पेपर दे रहे हैं वो जान रहे हैं इस चीज़ को। चलिए अभी मैं उत्तर दे देती हूँ। पहला उत्तर है, कबीर की वचनावली में सखी सबसे प्राचीनतम प्रति संवत 1561 में लिखी गई थी। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 काशी में हुआ था। मुसलमान गुरु शेख तकी, जो एक सूफी फकीर थे, उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हें कबीर का गुरु मानते हैं, क्षमा चाहूँगी। और कबीर जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से तीन भागों में हुआ था, साखी, सबद और रमैनी। पूजा जी ने और अनूप जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी कमेंट्स करने वालों को मैं धन्यवाद जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। कंचन लता जी ने भी जवाब दिए, धन्यवाद कंचन लता जी। दिलखुश जी धन्यवाद आपका, दीपाली जी धन्यवाद, मनोज जी, रीनू जी बहुत धन्यवाद, इला जी, हिमानी जी, देखिए कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ भी सीरियस हो जाइए। थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत टाइम नहीं लगना है, और ये कहीं ना कहीं रिवीजन की आपके रिवीजन हो जाता है। इससे जो लाभ मिलता है वो लंबे समय के लिए मिलता है, है ना, लंबे समय बाद उसका लाभ आपको पता चल जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि कब आपके अंदर आ जाएंगी आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा ये करेंगी, थोड़ा सा दृढ़ रहिए। चलिए आज 4 मिनट तो आपके ऐसे ही चले गए, आप शुरू करते हैं। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्यौसा नामक स्थान जो जयपुर राज्य में है में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल द्यौसा में गए थे, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए, यानी सुंदरदास जी मात्र 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य हो गए थे और उनके साथ रहने लगे। 6 वर्ष की अवस्था बहुत कम होती है। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ, तब तक ये नराना में रहे और फिर
जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान देवसा में आ गए। संवत 1663 में तक रहकर फिर जगजीवन दास के साथ काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण वेदांत पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर जो शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब आलिफ खान इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 सांगानेर में हुआ। यहाँ पर विशेष याद रखने वाली बातें यही हैं कि इनका जन्म तिथि, जन्म स्थान और मृत्यु स्थान और तिथि याद रखिएगा। उसके अलावा ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में बना के रखिएगा कि 6 वर्ष की अवस्था में ही दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका डील डाल बहुत अच्छा था, रंगोरा रूप बहुत सुंदर था, स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचनाएं साहित्यिक और सरस हैं और भाषा भी काव्य की मंझी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। देखिए, देखने में अच्छे थे, ब्रह्मचारी थे, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे विशेष बात ये है कि ये इन्हें समुचित शिक्षा प्राप्त हुई थी। अभी आपने ज़्यादातर देखा निर्गुण पंथी जो अशिक्षित लोग थे, निम्न वर्ग के अशिक्षित लोग, ये शब्द बार बार आया है। लेकिन यहाँ पर सुंदरदास जी समुचित शिक्षा शायद एकमात्र यही थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और शिक्षा प्राप्त होने के कारण ही इनकी रचनाएं साहित्यिक और सरस थी और काव्य की भाषा भी मंझी हुई थी। भाषा शैली जरूर याद रखनी होती है क्योंकि इसी से प्रश्न ज्यादा उठा दिए जाते हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे ही कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये भी रचे हैं। ध्यान दीजिए, और जितने भी संत अभी तक हुए उन्होंने गाने के पद या दोहे ही कहे, लेकिन इन्होंने एकदम सिद्ध हस्त कवियों की तरह, है ना। सिद्ध हस्त का मतलब जो एकदम मंझे हुए कवि होते हैं उनकी भांति कवित्व और सिवैये भी रचे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यों तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इनका ग्रंथ कौन सा हो गया? सुंदर विलास। इसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कूट में आपको इस तरह से फंसाया जा सकता है। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो सारी काव्य पद्धति के अनुसार थी। बाकी लोगों को तो काव्य पद्धति का ज्ञान ही नहीं था, तो वो क्या काव्य पद्धति के अनुसार रचना करते, परंतु ये पढ़े लिखे थे, इन्हें काव्य पद्धति का अच्छे भली प्रकार से ज्ञान था, तो इनकी रचनाएं काव्य पद्धति पर ही आधारित थी, ठीक है। संत तो थे, ये थे ही, पर कवि भी थे। ये समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर इनका बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, है ना। समाज की उस समय जो समाज में, समकालीन समाज में जिस तरह की रीतियां नीतियां और व्यवहार थे उस पर इन्होंने बहुत ही विनोदपूर्ण पंक्तियां कही हैं। जैसे गुजरात पर आभड़ छोत अतीत सो होत बिलार और कूकर चाटत हांडी, है ना। आभड़ छोत अतीत सो होत बिलार और कूकर चाटत हांडी, ये इन्होंने किसके लिए कहा? गुजरात पर। मारवाड़ों के लिए क्या बोले? वृक्ष न नीर न उत्तम चीर सुदेशन में गति देश है मारू, है ना। दक्षिण पर क्या बोला? रांधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करें सब भक्षण, दक्षिण के लोग सब खाते थे तो उनके लिए ये कहा। पूरब के लोगों पे क्या कहा चलिए ये भी सुन लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसर सूदर
चरोई वर्ण के मच्छ बघारत। सबको इन्होंने भी कहा लेकिन इनकी उक्तियां बहुत सुंदर रही। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। गे है तजो अर ने है तजो पन खे है लगाई के है पुन खे है लगाई कह दे है सवारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन धूप समय जो पंचागी निब्यारी। भूख सही रही रुख तरे पर सुंदर दास सबे सुख भारी दुख भारी। डासन छाने के कासन ऊपर आसन मार्यो पे आस न मारी। वाह क्या बात है। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग की वाणी इनको रुचिकर ना थी, इसका पता इनके कवित्त से लगता है। और इसके पहले के संत क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं तो वो ज़्यादातर ऊट पटांग की वाणियाँ बोल के लोगों को डराने का काम किया करते थे। बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए है ना, न तो मुख मौन गही चुप होए रही। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने तो कछंद अरत अनूप जामे लही। वो स्पष्ट कह भी रहे हैं कि अगर बोलने की अकल ना हो तो चुप रहो, अगर लिखने की अकल ना हो तो मत लिखो। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मने जाए गही है। तुक भंग छंद भंग अरत मिले न कछ सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कही है। अब ये वाणियाँ आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी क्योंकि सुंदरदास जी पढ़े लिखे थे और उन्होंने दूसरों को समझाने की कोशिश की है कि यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप मत लिखें, है ना। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य करने का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलम हैं, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा है। मतलब इन्होंने क्योंकि शिक्षित थे तो जो लोक धर्म था, सांसारिक चीज़ें थी, उनकी भी इन्होंने उपेक्षा नहीं की है। जो स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, जो लोग अपने रण में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सूरवीर, इन सब के लिए इनके मन में बड़ा आदर होता था। अब देखिए उस समय का जैसा पति ही सुनेम हो, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, पति ही सो जग जोग, पति ही से रस भोग, पति ही सो मिटे शोक, पति ही को जत है। पति ही है ज्ञान दान, पति ही है पुण्य दान। पति ही है तीर्थ न्याहन, पति को ही को मत है। पति बिनु पति नाही, सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। सुनत नगारे चोट बिग से कमल मुख, अधिक उछा फूल्यो मात न तन में, फेरे तब संग तब कोई नहीं धीर धारे। कायर कापये मान होत देखी मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूट पड़ी बहु सावत के गन में। मारी घम गान करी सुंदर जुहारे, श्याम सोई सूरबीर रूपी रहे जाए रन में। दोनों तरह की पंक्तियां आपने देख ली, एक में पतिव्रत मतलब पति की महत्वता बता रहे हैं, एक में सूरवीरों की। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊट पटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे पद लीजिए, इसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है ना। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत महातत्व पुण्य अहंकार है।
अहंकार हूँ मैं तीन गुण सत रज तम तमहू में ते महाभूत विषय पसार है। अब यहाँ देखिए अपने आप में आपको दर्शन समझ आ रहा होगा। रजा हूं ते इंद्री दस पृथक पृथक बई सत्ता हूं ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुकहत गुरु सुंदर सकल ये मिथ्या ब्रह्म जाल। समझा वही बात रहे लेकिन डन एकदम बदल गया। ये थे हमारे सुंदरदास जी शिक्षित सभ्य और काव्य पद्धति से रचनाएं करने वाले। ठीक है आप चलते हैं मलूकदास जी को देख लेते हैं। मलूकदास जी का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1639 में हुई और ये औरंगजेब के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। इनकी गद्दियाँ कड़ा जयपुर गुजरात मुल्तान पटना नेपाल काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तरकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। इन्होंने आलसियों का मूल मंत्र भी दिया था। आलसियों का ये मूल मंत्र चलिए देख लेते हैं। इस समय तो ये मूल मंत्र काम आ रहा होगा आप लोगों के। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाताराम। सभी को याद होंगी ये पंक्तियाँ तो शायद किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं रत्न खान और ज्ञान बोध। ज्ञान इन्होंने किस ज्ञान का बोध कराया मतलब आप आराम करिए अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कही गए सबके दाताराम। इस तरह का ज्ञान और इस तरह के रत्नों की खानी इन्होंने हमें दी है इसको याद रख लीजिएगा। हिंदू और मुसलमानों दोनों के उपदेश के में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में फारसी शब्दों और अब अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देते थे। इसलिए जाहिर सी बात है जब मुस्लिम्स को उपदेश देंगे तो भाषा में कुछ फारसी और अरबी तत्वों का प्रयोग होगा अरबी शब्दों का प्रयोग मिलेगा। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद तो बिल्कुल खड़ी बोली में है ना। आत्मबोध वैराग्य प्रेम आदि पर इनकी वाणियां बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं मतलब आप देख लीजिए इसके लिए दिए गए। अब तो अजपा जप मन मेरे सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे 10 अवतारी देख मत भूलो ऐसे रूप घनेरे अलग पुरुष के हाथ बिकाने तब ते नैनन हेरे। कह मलूक ते चेत अतू चेत अचेता काल न आवे नेरे नाक हमार खाक है हम खाकी के बंदे। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है लाइन इसको याद रखिएगा। नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे खाखे से पैदा किए अति गाफिल गंदे। आलसीपन की और गंदे की भले ही बहुत अच्छे उच्च कोटि के मैं अपमान नहीं कर रही हूँ लेकिन याद करने के लिए सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आलसी और गंदे जितनी इस तरह की बातें वो आपको इनके पदों में मिल जाएंगी। कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले आसमान को ताकते घोड़े घोड़े पर चढ़ फूले साहिबान के
सबहिन के हम सबे हमारे जीव जंत मोहि लगे प्यारे तीन लोक हमारी माया अंत कतहु से कोई न पाया छत्तीस पवन हमारी जाति हम ही दिन और हम ही राति हम ही तरवर कीट पतंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही मुल्ला हम ही काजी तीरथ बदत हमारी बाजी हम ही दशरथ हम ही राम हमरे क्रोध और हमरे काम हम ही रावण हम ही कंस हमरा हम ही मारा अपना वंश ले ये भी इनसे सुन लीजिए आप हम ही रावण हम ही कंस खाकी के बंदे अति गाफिल गंदे अधकर करे ना चाकरी ध्यान रखिएगा इनकी बातरी। चलिए बात करते हैं अक्षर अनन्य जी की। अक्षर अनन्य संवत 1710 में संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता चलता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए, ये बात याद रखने वाली है। छत्रसाल याद है ना आपको, छत्रसाल जी अक्षर अनन्य के शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैसा पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। कुछ राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए गए। अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि छत्रसाल के शिष्य थे और इनकी जो रचनाएँ देखिए, आपको सबकी याद रखनी है। रचनाएँ तो कहीं से भी पूछी जा सकती हैं और रचनाएँ आप जो गाइड आती हैं हिंदी की उनसे भी याद कर लीजिए, वो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत काम आएंगी, है ना। ये पुस्तक हर समय आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम सर पे हैं, पेपर होने वाले हैं, उसके महीने तो पहले से आपने ये पुस्तक पढ़नी शुरू की तो कहीं ना कहीं आप फिर इसमें उलझ जाएंगे। उस समय आपको शॉर्ट नोट्स, आपके अपने लिखे नोट्स या ठीक ठाक हिंदी की गाइड की ही ज़रूरत होती है। ये सब अभी पढ़ा जा सकता है क्योंकि अभी परीक्षाएँ दूर हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय फल चारों के साधन उपाय यह लोक सदो सुख पुत्र बाम पर लोक नसे बस नरक धाम पर लोक लोक दो साधो जाए सोई राजयोग सिद्धांत आए निज राजयोग ज्ञानी करंत हटि मूल धर्म साधात अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंदर आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने के से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। इन उनमें मानव जीवन की भावनाओं की विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास यानी या जगजीवन साहब जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे, ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। इनकी वाणी साधारण ज्ञान चर्चा है, है ना। इनके शिष्य दूलम दास हुए, इन्होंने एक शब्दावली लिखी थी। इनके शिष्य तोंवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने इनके बहुत सारे प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की। इस जगह पे बहुत ही कम है जो इम्पोर्टेंट है। ये सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक याद कर लीजिएगा और इनका और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, इससे नहीं पूछा जाता है।
निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि उसमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने की उसमें दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न एकदम व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति से अनभिज्ञता प्रकट करेगा। यदि आपको दार्शनिक पद्धति की जरा सी भी ज्ञान है तो आप निर्गुण पंथी संतों में इस तरह का आरोप नहीं कर सकते कि कहीं कहीं उनमें दार्शनिकता की झलक भी दिखती। इस तरह का आरोप करना बिल्कुल व्यर्थ है यदि आपको दार्शनिकता का ज्ञान है। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वे अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिसका मेल करके निर्गुण पंथ चला। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान का तत्व अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना का तत्व, किसी में सूफियों की मधुर प्रेम तत्व और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति। कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वे वेदांत से लिया हुआ है, दार्शनिकता से नहीं, वेदांत से लिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो कहाँ से लिया गया है? वेदांतों से। जो प्रेम तत्व है वो सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। प्रेम तत्व वैष्णवों से नहीं लिया गया है, उसमें सूफियों से लिया गया है। अहिंसा और प्रपत्तिवाद के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसमें सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण में मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। श्रृंखला बंध जाती है मतलब कोई मतलब वह एक दशा स्मृति की जिसमें जो क्षण क्षण करके ज्ञान है वो मिटता चला जाता है, मतलब हर क्षण ज्ञान मिटता है। तो सम्यक स्मृति में क्या होता है? समान स्मृति। सम्यक स्मृति से समझ आ रहा है ना, तो उसमें उसकी एक श्रृंखला सी बंध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं के परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। अब इस चलिए अब आज के प्रश्न पूछ लेती हूँ, देखती हूँ कौन कौन कमेंट बॉक्स में उत्तर देता है। पहला प्रश्न, साधु संप्रदाय किसकी परंपरा का है, किसकी परंपरा का कहा जा सकता है? ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, कह रैदास खलास चमार, ये पंक्तियां किसकी हैं आपको ये बताना है। और दादू दयाल सिद्धांत की दृष्टि से किसके अनुयायी कहे जा सकते हैं, है ना? अगला प्रश्न, दादू दयाल ने कौन सा पंथ चलाया था? और आखिरी प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इस सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल हम प्रेम मार्गी संतों की बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पूरा नहीं देखना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बेझिझक होके बताइए, है ना? तो मैं ये चिल्लाना बंद कर दूँ, आज तो मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये पक्का आपके काम आना है। अभी जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ये अभी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। और मैं इसके आगे आपको टेस्ट सीरीज चलाकर बिल्कुल ये पुस्तक इस तरह से कर दूंगी कि इससे आने वाला कोई प्रश्न आपका गलत ना हो, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, है ना? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दिया करिए, उसमें कंजूसी मत किया करिए। 100 लोग देख लेते हैं तब 10 लोग लाइक करते हैं। चलिए, साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।